हाँ तो देखो भाइयों, मुश्किलों से कभी घबराना नहीं, ठंड में कभी नहाना नहीं, ऑनलाइन कभी लड़की पटाना नहीं, और बाय चांस गलती से अगर तुमसे पट जाए तो कटने के बाद किसी को बताना नहीं। ले फिर आ गए। और मेरे भाइयों कैसे हो आप लोग, आई होप के सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्करर रैंक पुश वीडियो में। अब आज की वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल मजा आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई लाया दो गेम प्ले, दो चिकन लेग पीस, एक ही मुर्गी के दोनों टांगे ले आया तुम्हारा भाई। तो अभी बात करें अपने फर्स्ट गेम प्ले की, तो तुम्हारा भाई जा रहा है प्रिजन में, और यार प्रिजन का कुछ नाम वाम सजेस्ट करो, मतलब गोरे गोपाल और यासना है पनीर ना लाना में, तो तुम्हारा भाई जाता रहता है प्रिजन जाएंगे, लेकिन प्रिजन का नाम नहीं पता मेरे को। हाँ तो तुम्हारा भाई जा रहा है प्रिजन में फाइट लेने, ठीक है? तुम्हारा भाई जा रहा है प्रिजन, सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। तो फिर मैं ये कह रहा था कि लाइक भी कर दो, अब नहीं सुनाई देगा भाई, सब बड़े चालाक हो तुम लोग, तुम्हारी भैंस की डिंग डिंग। अब इन भैया जी को निपटा के अपना अच्छा खासा खाता खुल जाता है, 1 किलो जाता है अपना। उसके बाद देखो तुम्हारा भाई टोटल अभी कितने और किल्स निकालने वाला है। बस भैया बस, किस्सा खत्म। मतलब तुम्हारे भाई ने अगर नेड मोली फेंके हैं तो बस बंदा खत्म है, और मतलब किस्मत देख रहे हो, ये बॉट मेरे ऊपर फायर तक नहीं करते कि मैं इसको निपटा दूंगा। मतलब भाई साहब फायर वायर तो कर दिया करो ताकि मेरे को पता चल जाए, वो तो मेरे को साउंड आ गया इसलिए मिल गया ये बॉट, वरना कोई और निपटा देता। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई मरते मरते बच गया अभी, लेकिन अब तुम्हारा भाई बच गया तो सामने वाला बंदा नहीं बचेगा। क्या मतलब, रिकॉर्डिंग है पहले से पता है इसलिए लंबी लंबी फेंक रहा हूँ, लेकिन देखो तुम्हारे भाई ने जो ही निपटाया ना इन भैया जी को, अब इनके पास दो बड़े बड़े रीजन वाला एक सूट था। अब ये जानू ने कितनों का काटा होगा, तुम्हारे भाई ने तलवार से इसी का काट दिया। अब भाई साहब मतलब देखो, नाम ऐसे ऐसे धर लेते हैं। अब सामने की साइड से कोई बंदा अपने को टैप टैप दे रहा था, मैं समझ गया अपना सब्सक्राइबर होगा, तो तुम्हारा भाई भी टैप टैप देके समझा देता है। ठीक है भैया, समझ गया मैं। अब इवेंट पे मेरे अलावा सिवा से लास्ट के दो बंदे बच रहे थे, जिसमें से एक तो अपने सब्सक्राइबर भैया जी थे, तो वो भैया जी जाते हैं मेन बिल्डिंग वाले बंदे से फाइट लेने, और तुम्हारा भाई यहाँ से बैठ के मस्त लाइव टेलीकास्ट देख रहा। और ये लो अपने सब्सक्राइबर भैया जी नेट से ठिल्ली है, मतलब शर्म तो आ ना रही होगी, मेरे सब्सक्राइबर होके तुम नेट से ठिल्ले हो। वैसे जिसने मारा वो भी अपने सब्सक्राइबर भाई थे। अभी देखो तुम्हारा भाई जाता है लास्ट बंदे पे रश करने, और बस देखो वहां पे जाके क्या सीन होता है। हेलो भाई, अब यहाँ पर आके पता चलता है कि ये भैया जी भी अपने सब्सक्राइबर थे, तो चलो बच गया तुम्हारा भाई ठिलने से, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास डीबीएस है, वो अंधी भी चलाएगा ना तब भी मेरी पेटी बन जानी है। तो इन भैया जी से थोड़ी देर बातचीत करके दोनों लोग निकलते हैं अपना अपना जोन में। अब इवेंट से दोनों लोग अपना अपना रिकॉल बचा के निकल जाते हैं, वो भैया जी अपने रास्ते, तुम्हारा भाई अपने रास्ते। तो अपन जा ही रहे होते कि सामने की साइड देखो बस अपने साथ क्या सीन होता है। अब ये भैया जी ने पता नहीं कौन से गांजे फूक रखे थे, शायद से इनके नेट ने गांजे फूक रखे थे, मतलब अंधे चले जा रहे हैं। अब देखो अपने अच्छे खासे 5 किल हो रखे थे, उसके बाद तुम्हारे भाई ने मजाक से हटके बहुत गाड़ी घुमाई, मतलब इतनी ज्यादा गाड़ी घुमाई, लेकिन अपने को एक बंदा नहीं मिला। और जैसे ही अपना रिकॉल खत्म होता है उसके बाद अपने को तुरंत एक बंदा मिल जाता है। अब देखो जस्ट अभी अभी मेरा रिकॉल खत्म हुआ है, अब जाके अपने को बंदा मिला, और अभी अभी मैं पोचिंग से 4 चक्कर मार के गया था, लेकिन तब तक यहाँ पे कोई भी नहीं था, और अब ये भैया जी अपने को मिल जाते हैं। अब देखो अपने पास बस रिकॉल की कमी है, बाकी सब है, चौड़ एकदम अंधी है। तो तुम्हारा भाई जाता है सामने वाले बंदे पे रश करने, और ये चौड़ बहुत जल्दी निपट जाती है। बच गया अबे, इसकी भैंस के मजे बचे, भगो पहली फुर्सत में, अबे हेल्थ का लगा रहा, भग 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 भग, बच गया। अब देखो तुम्हारा भाई इस वाले बंदे को जो ही निपटाएगा ना, मतलब यार एक तो ये बंदे मेरे को पता है जब तक मेरे पास रिकॉल रहेगा जब तक मिलते ही नहीं, आधे से ज्यादा मैचेस में मेरा रिकॉल बर्बाद जाता है। अब भाई साहब मजाक सट के दोनों बंदे ने इस सैक के कम से कम 7 फेरे तो आराम से काट दिए, मतलब दोनों के दोनों घूमे जा रहे हैं।
अब इन भैया जी को भी एकदम आराम से निपटा देते हैं, अपने अच्छे खासे 6 किलो जाते हैं। और ये तलवार का पता नहीं क्या सीन है, कभी कभार एक भी गोली नहीं लगती, कभी कभार बीच में एक आधी गोली चिपक जाती है, मतलब मैंने फायर भी नहीं करा था तब भी लग गई। अब चलते हैं सीधा एंड सर्कल में। तो तुम्हारा भाई जोन के एज पे आराम से बैठा हुआ था, उतने में नेक्स्ट सर्कल हमेशा की तरह अपने ऊपर से शिफ्ट हो जाता है। अब देखो यार, तुम्हारे भाई के कार स्प्रे आजकल ठीक ठाक नहीं जा रहे, अब फिर भी तुम्हारे भाई ने इस बंदे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था। और ऋषु भाई साहब ने इस बंदे को फेल दिया, मतलब यार मेरा किल चुरा दिया। क्या मतलब मैं ही नहीं मार पाया था, वो सब अलग बात है, लेकिन इन भैया जी ने मेरा किल चुराया, मैंने बहुत सारा डैमेज दिया था। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट सर्कल में, और नेक्स्ट सर्कल है सीधा कंपाउंड पे। देखो कहाँ पे जाके पोजीशन निकालेगा तुम्हारा भाई। वे भाई साहब यार, ऐसे बंदे ना मेरे मैच में नहीं आने चाहिए। बताओ चलती गाड़ी में पूरा ठेला लाल कर दिया, अब यहाँ पे आके रुका, यहाँ पे पहले से बंदा, अब तो देखो मेरी पेटी बन जानी है। चलो अब जैसे तैसे बच गया। अभी अगर तुम्हारे भाई ने इस बंदे को डैमेज ना दिया होता ना, पेटी में पैक कर दिया जाता मेरे को। और हेलमेट वेस्ट के नाम पे भी देख सकते हो, पता नहीं ये लाल कलर के गहने पहन रखे हैं। अब देखो मैंने भी हेल्थ लगा ली, उस बंदे ने भी हेल्थ लगा ली, अब दोबारा से अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं। और देखो कैसे निपटाता तुम्हारा भाई, सामने वाले पे डीपीएस है, इसकी बहस के मजे ही मजे। ऋषु भाई ने टाटा IPL ही खत्म कर दिया एक नेड में, वाह भाई साहब। अब इन भैया जी को तो जो ही टन टन बजे है ना, अब तुम्हारा भाई इतना ज्यादा फटी में खेल रहा था, मतलब सामने वाले के पास DPS है, मतलब मेरी पेटी कंफर्म। जैसे तैसे निपटा दिया अब इन भैया जी को। अब ये B-Lag शिवम भाई साहब वही थे जो कि अपने को प्रिजन में लास्ट में मिले थे। अब ये भैया जी अपने ही सब्सक्राइबर थे, और सब्सक्राइबर तो ठीक है, लेकिन यार तुम्हारे भाई का किल था ये, मैं आराम से उतार देता, मैंने एक हेड भी मारा था, ऋषु भाई ने अपना किल चुरा लिया। अब अपने पास सिर्फ एक ही नेट था जो कि तुम्हारे भाई ने यहाँ पे आराम से बर्बाद कर दिया। उसके बाद 2 मोरी थी, वो भी ज्यादा कुछ नहीं अच्छी हुई, बर्बाद कर दी और क्या। फिर नेक्स्ट सर्कल में अपने को जाना था, तो चलते सीधा नेक्स्ट सर्कल में। और यहाँ पे ऋषु भाई अपने को टैप टैप दे रहे थे, और सही मैं बता रहा हूँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो टैप टैप दे रहे। तुम्हारा भाई लगा पड़ा फाइट लेने में, उसके बाद ऋषु भाई भी फाइट लेने लग जाते, और हम दोनों आराम से फाइट ले ही रहे होते हैं। उतने में देखो बस, अब मेरे अलावा बचे थे सिवा सिर्फ लास्ट के 2 बंदे, एक ऋषु भाई और एक ही अपने सब्सक्राइबर भाई। अब मेरे बीच में और ऋषु भाई साहब के बीच में घमासान युद्ध चल ही रहा होता, उतने में ये लास्ट वाले भाई साहब, हम दोनों के ही सब्सक्राइबर थे, ये बीच में जंप करने लग जाते, तो सारा युद्ध धरा का धरा रह जाता है। मैं तब से टैप दे रहा हूँ, ये बंदा मेरे पे नेड, मौली इधर आ, इधर आ, तेरे को मैं भाई इससे कटाना से मारूं। अब देखो बातचीत तो होती रहेगी, अब हमारे बीच में स्टार्ट होती है मुक्का फाइट, और तुम्हारा भाई पहले कर रहा है मुक्का फाइट, क्योंकि मेरे को दोनों को पेल के चिकन लेना है। अब बस देखते जाओ कैसे निपटाते अपने सब्सक्राइबर भैया जी को। चलो अपने सब्सक्राइबर भैया जी का किस्सा खत्म, अभी मुक्का फाइट Part 2। वाह भाई साहब, मेरे ठेले को लाल बता रहे, खुद का तो ठेला ही खत्म हो गया। अब देखो तुम्हारे भाई ने एकदम मजे से चिकन निकाल लिया था, और मरने के बाद ऋषु भाई बोलते हैं कि अपनी फिस्ट फाइट कमजोर है, मैं तो जैसे रोज मैच में मुक्के ही चलाता हूँ। अब उस मैच से अपने को अच्छा खासा 23 पॉइंट्स का प्लस मिल गया था। अभी बात करें अपने सेकंड गेम प्ले की, तो इस वाले मैच में तुम्हारे भाई ने ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन देखो चिकन निकाला एकदम जॉर्ड लेवल, तो बस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत छोटा सा गेम प्ले ये वाला। अब एक नियत्ता मार के तुम्हारे भाई ने अपने किल का खाता खोल लिया था, उसके बाद सामने की साइड अपने को एक और बंदा स्पॉट होता है। अब इन भैया जी को निपटा के अपने अच्छे खासे 2 किल हो गए थे, उसके बाद मेरे को मनसा नहीं कर रहा था यार वहां पे रहने का, और निकलना था मेरे को, अब गाड़ी अपने को मिली नहीं, तो तुम्हारे भाई ने सीधा प्लेन कर लिया, मोटी चैन मोटा पैसा। अब जो सिटी में तुम्हारा भाई लूटपाट की वारदात को अंजाम दे ही रहा होता, उतने में आती है एक बग्गी वाले की रोटेशन, और देखो अपना हग्गू स्प्रे। अब तुम्हारे भाई ने ठीक ठाक सा डैमेज दे दिया था, बाकी बच के निकल गया वो भाई साहब, उसकी जगह पे एक बॉट आ जाता है यहाँ पे। अब देखो इन बॉट भैया जी को निपटा के अपने अच्छे खासे 4 किल हो जाते हैं, और ये वाला गेम प्ले मैं मेन आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग कम किल्स के साथ भी चिकन निकालते हो ना, तो आपको कितने तक का प्लस मिलेगा बस देखते जाओ। अब आज के दिन में तुम्हारे भाई ने जो ही कार स्प्रे हगे है ना, मतलब भाई साहब एक से एक बंदे मेरे से बच के गए, अब ये वाला बंदा भी बच के निकल जाता है। उतनी देर में यहाँ पे एक और बग्गी की रोटेशन आती है, अब देखो एक और हग्गू स्प्रे। अब इन भैया जी के आगे वाले बग्गी के दोनों टायर फोड़ दिए।
अब ये भैया जी भी यहाँ से आराम से बच के निकल जाते, उतने में मुझे पीछे से एक बंदे का साउंड आता और ये भैया जी को देखो मतलब ऐसे जंप करते हुए ओपन से आ रहे। अब तुम्हारे भाई का मन तो बड़ा था कि भर दूं क्योंकि अपने किल्स भी देखो, किल्स ही ना है बिल्कुल भी। अब पता नहीं ये बंदा मेरे को पहचाना कैसे। अच्छा समझ गया, ये बंदा मेरे को पहचाना कैसे। इसने सोचा होगा ये बंदा जब से आया है तब से ये चार स्प्रे ले चुका है, अभी तक एक बंदा नहीं मरा इस पे, ये पक्का मर्चेंट वाइटी होगा। खैर अब इन भैया जी से भी थोड़ी देर बातचीत कर लेते, उसके बाद भैया जी को बोल देता हूँ कि आप अपना आराम से कंपाउंड पे जाके होल्ड करो, मैं आराम से यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। उसके बाद काफी देर अपन होल्ड रखते हैं, उसके बाद निकलते हैं नेक्स्ट सर्कल में। अब देखो अपने अभी सिर्फ और सिर्फ चार ही किले, अब नेक्स्ट सर्कल में तुम्हारा भाई इन्हीं वाले कंपाउंड पे आके आराम से होल्ड कर लेता है क्योंकि इस वाले कंपाउंड से तुम्हारा भाई एकदम नेक्स्ट लेवल कार स्प्रे मारता है। अब यहाँ पे आके होल्ड करा ही था, उतने में देखो किल फिट आती है कि रिशु भैया जी पेल दिए गए। अब ये भैया जी काफी ज्यादा अच्छा खेल लेते हैं, इन भैया जी ने जो ही मतलब किल्स निकाले हैं ना एंड सर्कल में, अब स्टार्टिंग में भी किल्स निकाले होंगे। बाकी देखो तुम्हारा भाई बदला लेने वाला है रिशु भैया जी का, बस देखते जाओ। और यार मजाक से हटके आज की डेट में ना मेरा एक कार स्प्रे ढंग का नहीं गया, हर स्प्रे में मैंने हगा है। अब देखो मेरे अलावा बचे सिर्फ और सिर्फ लास्ट के चार बंदे, अब इनके बीच में फाइट हो जाती है। और देखो ये स्पाई भाई साहब कितने बढ़िया निपटाने वाले बंदों को। अब ये भैया जी या तो एकदम नेक्स्ट लेवल खेल लेते हैं या फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है, मेरे को क्लियर नहीं है इसलिए मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा। बाकी भैया जी काफी ज्यादा बढ़िया खेल लेते हैं। अब ये भैया जी अपने ऊपर पुश करते हैं और देखो फिर कैसे निपटाते हैं भैया जी को। अब यहाँ पर बस एक अच्छी बात थी कि जोन अपने ऊपर है, तो तुम्हारे भाई को पता था उस बंदे को सामने की साइड से जोन में तो आना है और मैं पीक लेने की गलती कर ही नहीं रहा था क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत भैया डाउट में था कि ये बंदा पक्का गड़बड़ है। तो भाइयों फिर क्या बोलती कंपनी, नेट गॉड ऑफ वॉट। अब ये भैया जी अपने दूसरे नेट से एकदम आराम से फूट जाते हैं। बाकी प्लस देख लो इस वाले मैच का भी, तुम्हारे भाई ने सिर्फ से 5 किल पे चिकन निकाला और बाकी अपनी रैंक भी 190 कुछ चल रही है। बाकी आप लोगों को मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम सारे भाइयों को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।